सब्सक्राइब करें मोनू मॉल रिपेयरिंग चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो सबसे पहले दोस्तों आज हमारे पास ये फ़ोन आया है लावा का, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये लावा का फ़ोन है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं इसका आपको मॉडल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मॉडल देख सकते हैं, इसका लावा का Z50 है, मतलब Z50 है 50, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपको फ़ोन को चालू करके अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या फ्रेंड, हैंग ऑन लोगो, ठीक है फ्रेंड। मतलब इसी तरीके से लावा लिखा के रुक जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो सलूशन है, उसको कैसे जो है ठीक करते हैं, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री में फ्रेंड, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई भी कुछ भी हमारा जो है जाने वाला नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आज ये वीडियो में आपको बताऊंगा इसका जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से ठीक करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो अभी चालू हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो पैटर्न है वो M है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं M बना देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। देखिएगा आप, यहाँ से जो है ऑटो रिस्टार्ट होकर फिर वो जो हैंग ऑन लोगो, लावा का लोगो लिखा हुआ रहेगा और आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आके इस तरीके का ऑप्शन, इस तरीके का लावा लिखा गया, यहीं पे जो है ये रुक जाता है, ठीक है फ्रेंड। इससे आगे नहीं बढ़ता है, यहीं पे रुका हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ता है, यहीं पर आके रुक जाता है, पॉज हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये रुका हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा भी आगे ये नहीं बढ़ता है, जो मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे ठीक से देखिए, यहाँ से जो लावा का जो ये ऑप्शन है तो इससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, पहले इसको हार्ड रिसेट मार के देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर हार्ड रिसेट से हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम इसका फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देखिए अभी जो है इसी तरीके का रुका हुआ है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी हार्ड रिसेट करके देखता हूँ इसका जो प्रॉब्लम है आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली करना है कि आपको इसकी बैटरी, देख सकते हैं यहाँ पर रुका हुआ है, सिंपली क्या करना है आपको, इसकी बैटरी को यहाँ से बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद इसका तो मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी पहले से दिखाई दिया है, उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसकी बैटरी को लगा देना है। लगाने के बाद ये जो पावर की है ऊपर में वॉल्यूम अप वाला बटन है, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपली आपको ये पावर की को प्रेस करना है, उसके बाद ये अप वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम जो पावर वाला की, मैं इसको प्रेस करता हूँ, उसके बाद वॉल्यूम वाला अप को मैं की को प्रेस करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीका कुछ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर में रिकवरी का ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में रिकवरी का ऑप्शन है, और ये जो ऊपर वाला बटन है, ऊपर वाले बटन से आप जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमको क्या करना है, ये रिकवरी पे गया हुआ है सबसे ऊपर में, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम डाउन है सिंपली इसको जो है हमको क्लिक कर दें, वॉल्यूम डाउन जो है यहाँ पर फ्रेंड, तो इसको हमको जो है एक बार यहाँ से प्रेस करना है, ठीक है। जैसे हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, देखिए नो कमेंट इस तरीके का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, ये जो पावर वाला की है वो फ़ोन को ऑन करने वाला, इसको प्रेस करना है, और उसके बाद ये जो वॉल्यूम अप है इसको प्रेस करना है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ, उसका वॉल्यूम अप को प्रेस करता हूँ। तो देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का कुछ ऑप्शन आ गया है। इस तरीके का ऑप्शन आने के बाद वॉल्यूम डाउन को क्लिक करना है आपको, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन करने के बाद सिंपली आपको वाइट डाटा फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट डाटा पे जो है आके मैंने इसको रोक दिया है। उसके बाद सिंपली इसको ये जो पावर ऑन ऑफ वाला सिंपली इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे वाले डाउन को क्लिक करके यहाँ पे यस पे ले आना है। उसके बाद ये ऑन ऑफ वाला जो की होता है सिंपली इसको और यहाँ पर जो है आपको टिक कर देना, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ रहा है, वाइट डाटा कम्प्लीट फॉर्मेटिंग डाटा और मीटिंग के लिए, यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको ये पावर की को प्रेस कर देना, उसके बाद फ़ोन जो है आपका रिबूट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन अभी भी है, रिबूटिंग हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो अभी डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेंगे हमारा जो प्रॉब्लम है, जो ऑन होकर रुक जा रहा था हैंग ऑन लोगो, वो इससे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो आप भी फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर ले, अगर इस तरीका से काम करने से अगर आपका प्रॉब्लम वही सेम रहता है तो आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा फ़ोन पे आपको, ठीक है।
अपने फ़ोन को फ्लैशिंग करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो आपको भी वेट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, यहाँ पे जो है सिर्फ रुका हुआ है यहाँ के। यहाँ पे थोड़ा देर और वेट कर लेना है आपको। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो प्रॉब्लम है इसका है वो वही अभी हैंग ऑन लोगो की तरह ही रुका हुआ है, मगर थोड़ा देर और वेट कर लेंगे और देख लेंगे जो प्रॉब्लम है हमारा वो आगे इससे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है या फिर इसी स्टॉप पे रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा देर और वेट कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है मेरा काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इसका जो प्रॉब्लम इससे आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा देर और वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा और आपको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कभी कभी होता है कि फ़ोन थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, रीसेट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर लास्ट में हमको फ्लैशिंग करना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो आ रहा था, जो सिर्फ रीस्टार्ट होके हैंग ऑन लोगो सिर्फ लावा लिखा हुआ रुका हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन हमारा बिल्कुल चालू हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे स्किप कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट योर वाईफाई फ्रेंड, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अभी वो FRP का प्रॉब्लम आया हुआ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आगे नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है FRP वाली, आपको इसकी जो FRP वाली वीडियो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इसका जो FRP का प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से दूर करना है, हमको जहाँ तक कि उम्मीद है कि आप तो इसकी FRP को बाईपास कर लोगे, अगर नहीं तो मैं इसकी जो FRP वाली इसका जो FRP का प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग टू वाईफाई बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर FRP का प्रॉब्लम आ चुका है और यहाँ पर स्किप का जो ऑप्शन रहता है वो अभी नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई कनेक्ट बोला जा रहा है और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आना चाहिए, चाहे नेक्स्ट का ऑप्शन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसकी जो वीडियो है FRP वाली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। मैं बताना चाहूँगा अभी तक आपने मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।